हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 के विनर सनी हिंदुस्तानी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सनी हिंदुस्तानी के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि उनका फुल नेम है सनी मलिक, वहीं इनका निकनेम है लड्डू। दोस्तों, सनी हिंदुस्तानी का जन्म 1998 में अमरपुरा बस्ती भटिंडा पंजाब में हुआ था और 2021 के अनुसार से वह फिलहाल 23 वर्ष के हैं। यदि बात करें उनके राशि चक्र चिन्ह के बारे में, तो इनका राशि चक्र चिन्ह है तुला राशि। वहीं दोस्तों, बात करें सनी हिंदुस्तानी के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो सनी हिंदुस्तानी का हाइट है करीब 5 फीट 7 इंच यानी 170 सेंटीमीटर। यदि बात करें इनके आई कलर की, तो इनका आई कलर है ब्लैक, वहीं उनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, यदि बात करें सनी हिंदुस्तानी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सनी हिंदुस्तानी ने अपने स्कूल की पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजय नगर भटिंडा से कंप्लीट की। वहीं इनका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 6th क्लास। दोस्तों, यदि बात करें इनके धर्म के बारे में, तो सनी हिंदुस्तानी इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। वहीं इनकी जाति है सांसी समुदाय। वहीं दोस्तों, बात करें सनी हिंदुस्तानी के हॉबीज के बारे में, तो सनी हिंदुस्तानी का हॉबीज है ट्रैवलिंग और हारमोनियम बजाना। दोस्तों, अब बात करते हैं सनी हिंदुस्तानी के फैमिली मेंबर्स के बारे में। तो सनी हिंदुस्तानी के पिता का नाम स्वर्गीय मानक राम था, जो कि एक गायक थे। वहीं बात करें इनके माता के बारे में, तो इनकी माता का नाम सोमा है, जो कि एक गुब्बारा विक्रेता है। दोस्तों, यही बात करें सनी हिंदुस्तानी के भाइयों और बहनों के बारे में, तो सनी हिंदुस्तानी की 3 बहनें हैं, रेखा, माया और सकीना। अब बात करते हैं सनी हिंदुस्तानी के फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो आपको बता दें कि सनी हिंदुस्तानी के फेवरेट एक्टर हैं सलमान खान, वहीं इनके फेवरेट एक्ट्रेस हैं दिशा पटानी। दोस्तों, यदि बात करें इनके फेवरेट सिंगर के बारे में, तो इनके फेवरेट सिंगर हैं नुसरत फतेह अली खान। वहीं दोस्तों, बात करें सनी हिंदुस्तानी के फेवरेट कलर के बारे में, तो सनी हिंदुस्तानी का फेवरेट कलर है वाइट। दोस्तों, अब बात करते हैं सनी हिंदुस्तानी के नेटवर्थ के बारे में। तो आपको बता दें कि सनी हिंदुस्तानी का नेटवर्थ है करीब 30 लाख रुपए सालाना। वहीं दोस्तों, बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो सनी हिंदुस्तानी के पास एक क्रेटा कार है जिसकी कीमत है करीब 15 लाख रुपये। दोस्तों, अब बात करते हैं सनी हिंदुस्तानी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको भी पता नहीं होगा। सनी हिंदुस्तानी बचपन से ही गायन का शौक था और वह अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। वह अपने गांव के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाना गाया करते थे। गायन में उनके जुनून के लिए उनके पिता ने उन्हें बचपन में उपहार में हारमोनियम और एक तबला गिफ्ट किया। 2014 में उनके पिता का जम्मू कश्मीर के बारामूला में निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी सनी हिंदुस्तानी के कंधों पर आ गई और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर बूट पॉलिश का काम स्टार्ट कर दिया। उसी वर्ष उन्होंने अखिया दे बूहे गाना गाया, जो TMC पंजाब द्वारा रिलीज किया गया था। 4 जून 2014 को उन्होंने सोनी टीवी के शो एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ करेगा में भाग लिया। 2019 में सनी ने भारत के सबसे लोकप्रिय गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 11 में भाग लिया। शो में उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के गीत पर आफरीन आफरीन गाना गाया, जो रातों रात हिट हो गया और वह वायरल हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि उनके दोस्त दीपक मलिक भी इंडियन आइडल सीजन 11 में दिखाई दिए। दोनों कई अन्य कार्यक्रमों में भी एक साथ परफॉर्म कर चुके हैं। 30 फरवरी 2020 को वह इंडियन आइडल 11 के विजेता बने। उन्होंने रुपये की पुरस्कार राशि के साथ एक ट्रॉफी भी जीती, 25 लाख रुपये और एक कार और टी सीरीज के साथ एक गाना गाने का अनुबंध मिला उन्हें। तो दोस्तों, यह थी सनी मलिक के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।